Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Arshi. In this particular video, we are going to study chapter 2 sexual reproduction in flowering plants, and this is part 3 of the chapter. For part 1 and 2, you can check the description. You can like, share and subscribe to my channel for more such videos. Also press the bell icon to remain updated about my latest videos. Agents of pollination. इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब होता है वो चीज़ें जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन किनके द्वारा? एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि विंड और वाटर. विंड जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड है, ये आप याद रखिए. क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर पॉलिनेशन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड एबायोटिक मेथड फॉर पॉलिनेशन. द आंसर इज विंड. और वाटर, वाटर इज़ नॉट वेरी कॉमन मेथड फॉर पॉलिनेशन, इट इज़ ओनली लिमिटेड टू 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉट. सिर्फ ये 30 जनरा तक ही सीमित है पॉलिनेशन बाय वाटर, और जिनमें ज़्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं. बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Example, animals. The majority of plants use biotic agents for pollination. ज़्यादातर plants biotic agents को use करते हैं pollination के लिए, जैसे कि insects हैं, bees हैं, butterflies हैं. Only a small proportion of the plants use abiotic agents. सिर्फ कुछ ही plants ऐसे होते हैं जिनका pollination abiotic agents के द्वारा होता है. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. अब देखिए, pollen grains stigma पे आकर land करेंगे या उनके contact में आएंगे, ये एक chance factor होता है. किस केस में? Wind और water pollination के केस में. और इस वजह से wind और water pollination के केस में इस uncertainty को compensate करने के लिए pollen grains बहुत ज़्यादा enormous amount में produce होते हैं. देखिए, ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन को आकर लैंड करना. सपोज दिस इज द पॉलन ग्रेन एंड इट हैज़ टू ट्रैवल ऑल द वे टू दिस पर्टिकुलर स्टिग्मा, एंड इट मे ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. सपोज बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से भी ये ट्रैवल करके आ सकता है. अब ये रास्ते में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का लॉस भी हो सकता है, और ये इसीलिए कहा गया है कि ये इट इज़ अ चांस फैक्टर दैट पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा मे लैंड ऑन इट और मे नॉट लैंड ऑन इट. इट इज़ जस्ट अ चांस फैक्टर. तो इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होते हैं. अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उन प्लांट्स की जिनमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है. सबसे पहला है, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट. पॉलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेट होते हैं, जिससे कि आसानी में वो आसानी से एयर में ट्रैवल कर सकें. नंबर टू, पॉलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स. नॉन स्टिकी होंगे पॉलन ग्रेन्स, जिससे कि वो किसी चीज़ से चिपके ना रास्ते में और स्टिग्मा पर ही लैंड करें. हैव वेल एक्सपोज स्टेमन. स्टेमन कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट में अंतर से जब पॉलन रिलीज होंगे तो आसानी से, जैसे ही विंड करंट ब्लो होगा, जैसे ही हवा चलेगी हल्की सी, तो आसानी से अंतर में से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे. इसलिए जो स्टेमन्स हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब खुले हुए होते हैं, बाहर निकले हुए बहुत प्रोमिनेंट होते हैं. लार्ज स्टिग्मा होता है, जिससे कि आसानी से वो पॉलन ग्रेन को कैच कर सके या पॉलन ग्रेन उससे आसानी से चिपक सके. फैदरी स्टिग्मा होता है, फैदरी मतलब फैदरी होगा तो आसानी से पॉलन ग्रेन्स उससे आसानी से ट्रैप हो सकेंगे. सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी होता है. न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, एग्जांपल कॉर्न कॉब. बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं होते हैं वो एक इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं. इनफ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं, तो एक साथ एक इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, एग्जाम्पल कॉर्न कॉब. The tassels you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap pollen grain. अब देखिए, ये corn cob है. corn cob में जो hair आप जो ये देखते हैं, ये hair क्या है? ये basically stigma और ये stamen और जो female part होता है carpal opistle, वो होता है जिसकी वजह से
आसानी से पॉलन रिलीज भी हो सकते हैं और आसानी से स्टिग्मा उनको ट्रैप भी कर सकता है। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, फ्लावर्स ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें कलरफुल होने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लावर्स जो कलरफुल होते हैं वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होते हैं। फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर प्रोड्यूस करने की भी उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको एनिमल्स से उनका पॉलिनेशन नहीं हो रहा है और विंड पॉलिनेशन कॉमन है ग्रासेस में। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक में जो पैराग्राफ में के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उस इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ 9 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसको लर्न करना और एग्ज़ाम में लिखना ईजी हो जाएगा। ये भी आपने देखा कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेमन्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं। इट इज़ बिलीव फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब देखिए क्या, अब हम बात करते हैं विंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में। जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि उनको अपने फर्टिलाइजेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उनकी जो गेमीट्स होती हैं वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए जो ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यू कैन बी आस्क्ड कि वाई द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया, हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेरीन ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। देखिए इस डायग्राम में मैं दिखाया क्या है, ये वेलिसनेरिया का प्लांट है, ठीक है, ये हाइड्रिला है, नेक्स्ट हाइड्रिला और ये जोस्टेरा है। ये तीनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर पॉलिनेशन। अब देखिए ये स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। सभी एक्वेटिक प्लांट्स वाटर नहीं यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। सपोज ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ये दोनों वाटर में सबमर्ज्ड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये इसका स्मॉल पार्ट जो है वो वाटर के ऊपर एक्सपोज्ड है, जो फ्लावर है वाटर के ऊपर प्रेजेंट है और ये भी वाटर के ऊपर प्रेजेंट है जो उसका दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है। तो क्या होता है कि इनका जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट आएगा एक फ्लावर के ऊपर, उसके स्टेमन के कांटेक्ट में आएगा तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिक हो जाएंगे उसकी बॉडी से, और वो दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा तो स्टेमन तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा से चिपक जाएंगे या स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इसलिए ये कहा गया है, इसलिए इस कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन इस तरह से होता है। तो इसी यही मीनिंग है इस स्टेटमेंट का कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, दे मे यूज इंसेक्ट्स ऑल्सो फॉर पॉलिनेशन। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। जैसे कि अभी मैंने बताया इसके एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं लेकिन इनमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा होता है क्योंकि इनके जो फ्लावर्स हैं ये ऊपर वाटर से ऊपर निकल कर वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक्स एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर। वेलिसनेरिया के केस में क्या होता है, फीमेल फ्लावर वाटर के सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और मेल फ्लावर्स जो होता है वो वाटर के सर्फेस पे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, और वाटर करंट के द्वारा जो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो फीमेल फ्लावर्स के पास पहुँचते हैं। ठीक है, वेलिसनेरिया का केस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली हाउ द पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया
टेक्स प्लेस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है पॉलिनेशन बाय वाटर इन वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया का यहाँ प्लांट दिखाया गया है, ये इसका जो फीमेल फ्लावर है वो दिखाया गया है, ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए वो फीमेल फ्लावर के पास या तो इंसेक्ट्स के द्वारा या फिर विंड करंट के द्वारा पहुँचते हैं। और ये आपको एक फ्लावर दिखाया गया है, इस फ्लावर में आपको दिखाया गया है कि इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। इन अब देखिए, कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है और पॉलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल है सी ग्रासेस। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। फीमेल फ्लावर्स पानी में सबमर्ज्ड रहते हैं और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर। वाटर के अंदर पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। देखिए इस तरह से ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। सपोज दिस इज द वाटर लेवल और यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट, प्लांट प्रेजेंट है। प्लांट का ये लेट्स से ये फीमेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा वो फीमेल फ्लावर के पास तैरते हुए पहुँचेगा पानी के अंदर। किसका केस बताया मैंने आपको? सी ग्रासेस का। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सी ग्रासेस में पॉलिनेशन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया वैलिसनेरिया का केस आपको पता होना चाहिए और उसी तरह से सी ग्रासेस का केस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब देखते हैं पॉलन ग्रेन्स इन इस केसेस में, जैसे कि सी ग्रास का जो भी मैंने केस बताया है जिनमें पानी के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इस केस में पॉलन ग्रेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर हेडिंग में 6 पॉइंट्स हैं। पॉलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक। लॉन्ग रिबन लाइक इसलिए होते हैं जिससे कि वो आसानी से वाटर के अंदर फ्लोट कर सके। दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, मतलब जैसे कि जैसे वाटर करंट फ्लो करता है उसी के साथ साथ वो फ्लो करते हैं या वो ट्रैवल करते हैं पानी के अंदर। सम ऑफ देम रीच, और उनमें से कुछ स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। फ्लावर्स को कलरफुल होने की जरूरत ही नहीं है। फ्लावर्स को नेक्टर प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। उनका पॉलिनेशन क्योंकि वाटर में हो रहा है। वॉट वुड बी द रीजन फॉर दिस? बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड ऑफर देम रिवॉर्ड्स, क्योंकि ना तो उन्हें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है पॉलिनेशन के लिए और ना ही उनको कोई रिवॉर्ड देना है, इसलिए ये फ्लावर्स जो हैं ये कलरफुल भी नहीं होते हैं और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स एनिमल्स को पॉलिनेटिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। और कौन कौन से इंसेक्ट्स काम आते हैं पॉलिनेशन के? बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प, एंट्स, मॉथ, बर्ड्स, बर्ड्स में सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो एनिमल्स में बीज सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, एग्जाम्पल लेमूस, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स और रेप्टाइल्स जैसे कि गेको लिजर्ट और गार्डन लिजर्ट। गेको लिजर्ट जो आपकी जो वॉल लिजर्ट होती है और गार्डन लिजर्ट हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज। ये कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? या तो उनकी बॉडी से पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, तो एक जगह से जब वो दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स को वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। अब देखिए अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए
पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज के द्वारा ही पॉलिनेशन उसका होता है. सपोज दिस इज फ्लावर ए, प्लांट ए, दिस इज प्लांट बी. तो ए प्लांट का पॉलिनेशन लेट्स से एक्स एनिमल के द्वारा होता है और बी प्लांट का पॉलिनेशन लेट्स से वाई एनिमल के द्वारा होता है. तो ये भी स्पेसिफिक है कि अलग अलग फ्लावर्स का पॉलिनेशन अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स के या अलग अलग टाइप के एनिमल्स के द्वारा ही होता है. मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स उन फ्लावर्स की देखते हैं जो जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है. सबसे पहले दे आर लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट. फ्रैग्रेंट मतलब बहुत अच्छी उनमें स्मेल प्रोड्यूस होती है. तो फ्रैग्रेंट होते हैं जिससे कि वो अट्रैक्ट कर सके. कलरफुल होते हैं, रिच इन नेक्टर होते हैं. नेक्टर वो एज एन रिवॉर्ड देते हैं किनको, जो इंसेक्ट्स विजिट करते हैं, जो इंसेक्ट्स उन फ्लावर्स के पास आते हैं. क्योंकि फ्लावर्स के पास इंसेक्ट क्यों आएंगे, कुछ ना कुछ उसको मिलेगा इंसेक्ट से. तो क्या मिलता है उनको, एक तो उनको नेक्टर मिलेगा. When the flower are small, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous. अगर flowers छोटे हैं तो वो एक inflorescence में एक group में present होंगे जिससे कि वो conspicuous हो. Conspicuous मतलब आसानी से नज़र आ सके insects को. The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. जो flowers flies और beetles से pollination होता है जिनका, वो सीक्रीट करते हैं फाउल ओडर. फाउल मतलब उनमें बहुत दुर्गंध आती है और वो दुर्गंध ही उनको अट्रैक्ट करती है, किनको, फ्लाइज को और बीटल्स को. तो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड के व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज फ्लावर्स इन विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय फ्लाइज एंड बीटल्स. द आंसर इज दे सीक्रीट फाउल ओडर्स. नेक्स्ट, animals are attracted to flowers by color and or fragrance. Flowers की जो color है और fragrance है, जो उसकी smell है, उससे animals attract होते हैं. animal की visits को continue रखने के लिए flower उनको reward provide करते हैं. nectar और pollen grain जो हैं वो floral rewards होते हैं. floral rewards को पाने के लिए animal regularly visit करते हैं और visit करेंगे तो anther और स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं. बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन. एनिमल की बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं क्योंकि वो स्टिकी होते हैं. पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स में. जब पॉलन ग्रेन कॉन्टैक्ट में आते हैं स्टिग्मा के, जब जो इंसेक्ट है वो फीमेल फ्लावर के पास जाएगा तो उसकी बॉडी से जो चिपके हुए पॉलन ग्रेन से वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाएगा. ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में है. अब देखिए ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक तो अमॉर्फोफेलस का और यहाँ पर यक्का प्लांट का, ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. देखते हैं, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, एज एन एग्जाम्पल ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर अमॉर्फोफेलस. कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, वो एक प्लेस, सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को अपने एग्स ले करने के लिए. मतलब इंसेक्ट क्यों आएगा फ्लावर के पास, वो आएगा क्योंकि उसे फ्लावर के अंदर एक सेफ प्लेस मिल रहा है अपने एग्स को ले करने के लिए. तो इसका एक एग्जाम्पल है अमॉर्फोफेलस फ्लावर. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है ये अमॉर्फोफेलस का फ्लावर है. और देखिए ये बहुत टॉल होता है, ये वाला फ्लावर जो है अमॉर्फोफेलस बहुत टॉल फ्लावर होता है. ठीक है, ये वाला जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये यक्का प्लांट का फ्लावर है. इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, एज एन एग्जाम्पल इज द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमॉर्फोफेलस. द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 feet इन हाइट. तो अमॉर्फोफेलस, क्वेश्चन कैन बी फ्रेंड अमॉर्फोफेलस में पॉलिनेशन कैसे होता है, तो आप लिखेंगे इंसेक्ट के द्वारा होता है. और वो इंसेक्ट क्यों आता है फ्लावर के पास, क्योंकि उसको एक सेफ प्लेस मिलता है अपने एग्स को ले करने के लिए. उसी तरह से मॉथ और यक्का प्लांट के बीच में भी बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है जिसमें दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती.
moth will bring about the pollination in yucca plant, and yucca plant is going to provide the safe place to lay the eggs of moth. ओके यक्का प्लांट जो है वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा मॉथ को एग्स ले करने के लिए. द मोस्ट द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी. लॉक्यूल आपको याद है ओवरी के अंदर जो चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं उन चेम्बर्स को हम लॉक्यूल कहते हैं, और मॉथ अपने एग्स को डिपॉजिट करता है ओवरी के लॉक्यूल्स के अंदर. मॉथ अपने एग्स को डिपॉजिट करता है ओवरी के लॉक्यूल के अंदर, और फ्लावर का इस तरह से पॉलिनेशन भी हो जाता है, और लार्वे ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ एग्स एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग. और जब ये सीड डेवलप होते हैं तो जो एग्स होते हैं वो लार्वे में कन्वर्ट हो चुके होते हैं तब तक, और लार्वे बाहर निकल जाते हैं. मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. उनको हम पॉलन और नेक्टर रॉबर्स कहते हैं. पॉलन या नेक्टर रॉबर्स उनको कहते हैं जो फ्लावर के पास आते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, पॉलन भी ले लेते हैं, नेक्टर भी ले लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते. उनको हम कहते हैं पॉलन और नेक्टर रॉबर्स. इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में. नेक्स्ट हम देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस. ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब ये है ऐसी डिवाइसेस जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. और ऐसा क्यों चाहते हैं, या ऐसा प्लांट में ऐसा क्यों है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. देखिए उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा प्लांट के अंदर तो कोई नया कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा, कोई नया वेरिएशन नहीं आएगा, नया कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा. इसको हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. तो कंटिन्यूड सेल पॉलिनेशन अगर होता रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस या नया वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होगा. इस चीज़ को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है, और इसीलिए प्लांट्स में कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं प्लांट्स ने जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स. बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो. एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स में जो पॉलन है वो आसानी से स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ सकता है. कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस डेवलप हुई हैं, डिवाइसेस या फिर मेथड्स हम कह सकते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो बल्कि क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो. ठीक है, सबसे पहला इसको भी मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है. सबसे पहला पॉइंट है इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. अब इसे समझिए, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, जब पॉलन रिलीज होगा उस टाइम पर स्टिग्मा तैयार नहीं होगा पॉलन को एक्सेप्ट करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर पॉलन अगर लैंड भी कर जाएगा तो वो उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टिग्मा अभी तैयार नहीं है, मैच्योर नहीं है, या उसको रिसीव करने के लिए उसमें कोई इस पर अगर आ भी जाता है पॉलन ग्रेन तो इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर सके. तो इसी को कहा गया है कि पॉलन रिलीज, जिस टाइम उस फ्लावर से पॉलन रिलीज होंगे, याद रखिए हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की बात हो रही है जिसमें सेम फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, तो जिस टाइम पे पॉलन रिलीज होंगे उस टाइम पे स्टिग्मा तैयार नहीं होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं होगी. ठीक है, आर नॉट सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइज का मतलब है दो इवेंट जो साथ साथ हो. नॉट सिंक्रोनाइज का मतलब कि ये दोनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो रहे हैं, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. Either the pollen is released before stigma becomes receptive, या तो pollen grain पहले ही release हो जाते हैं जब तक stigma तैयार भी नहीं होता है receive करने के लिए,
या फिर क्या होता है, स्टिग्मा पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है पॉलन रिलीज होने से, ठीक है, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस। अब देखिए कुछ अलग स्पीशीज में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा की जो पोजिशन है वो अलग अलग होती है। सपोज जो स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा वो फ्लावर में छुपा हुआ या नीचे की तरफ में प्रेजेंट हो, और लेकिन जो स्टेमन है वो ऊपर प्रेजेंट हो, इस तरह से लोकेटेड हो, तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन नहीं लैंड कर पाएंगे अगर उनकी पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग जगह पे प्लेस्ड है। तो द इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ दीज डिवाइसेज प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। बोथ दीज डिवाइसेज मतलब ये वाली डिवाइस और ये वाली डिवाइस क्या कर रही है, ये दोनों ऑटोगैमी को, या फिर ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड प्रिवेंट कर रही है। अब देखिए थर्ड डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि पॉलन ग्रेन अगर लैंड भी हो जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, फिर भी उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और पॉलन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होती है प्लांट्स के पास में, और इससे सेल्फ पॉलन जो है मतलब सेम फ्लावर का जो पॉलन है वो ओव्यूल्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होता और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं होती है पिस्टिल में, ठीक है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अलग एक नेक्स्ट मेथड है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, वो है कि जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब या तो मेल फ्लावर बनेंगे या फीमेल फ्लावर होंगे, वो हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्ट्स मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो, अलग अलग फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर्स सेपरेट होंगे, फीमेल फ्लावर्स सेपरेट होंगे। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि सेम प्लांट पर ही मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैस्टर और मेज। सपोज ये कैस्टर का प्लांट है, इसमें यहाँ मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा और इसी प्लांट में यहाँ लेट्स से फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोशियस कंडीशन। इससे ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होती है लेकिन जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो सकती। अब देखिए स्टेटमेंट को समझिए, ऑटोगैमी इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है कि एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, विद इन द सेम फ्लावर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, वो नहीं होगा, इनमें ऑटोगैमी प्रिवेंट हो गई। लेकिन जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होती, जिटोनोगैमी होती है। जिटोनोगैमी की डेफिनेशन याद कीजिए, व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। तो ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं सेम प्लांट्स के, तो जिटोनोगैमी पॉसिबल है लेकिन ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया। अब देखिए पपाया के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट्स पर। पपाया का मेल प्लांट अलग होता है, उस पर मेल फ्लावर होगा, और फीमेल प्लांट अलग होता है, उस पर फीमेल फ्लावर होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायोसी। इस कंडीशन में ऑटोगैमी भी नहीं होगी और जिटोनोगैमी भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। अब देखिए क्या होता है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर किसी भी फ्लावर का पॉलन आके लैंड कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अब इस चीज़ को, अब किसी भी प्लांट का पॉलन आएगा लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करेगा, सिर्फ स्पेसिफिक पॉलन ही जर्मिनेट कर पाता है स्टिग्मा के ऊपर जो सेम टाइप का हो, जो कंपैटिबल हो या सेम टाइप का हो, सिर्फ वही जर्मिनेट कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होते हैं और स्टिग्मा जो होता है, उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर वो सेम टाइप का है तभी पॉलन के अंदर से पॉलन ट्यूब निकलकर वो फिर इंसर्ट होगी और ओवरी तक जाएगी, ओव्यूल के पास, ठीक है। और अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन होगा, किसी और प्लांट का होगा, या फिर इनकम्पैटिबल पॉलन होगा, तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। इसको हम कहते हैं इस पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन
कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिगमस का मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन होगा तो राइट टाइप का पॉलन ही आए. ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, कभी कभी रॉन्ग टाइप का पॉलन भी रिलीज होता है जो स्टिग्मा के पास पहुंचता है, अगर दूसरे प्लांट का भी हो सकता है और अगर सेम प्लांट का है तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से वो भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप और ऑफ रॉन्ग टाइप. पिस्टल के अंदर एबिलिटी होती है ये रिकग्नाइज करने की कि जो पॉलन है वो राइट टाइप का है, कंपैटिबल है, या फिर रॉन्ग टाइप का इनकम्पैटिबल है. इट इज़ ऑफ राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट सेल्फ पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. अगर राइट टाइप का पॉलन होगा तभी पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगा और तभी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होंगे. पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड इट्स इंसर्शन इनटू द ओव्यूल. इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन. पिस्टिल रिजेक्ट कर देता है पॉलन ग्रेन को और पॉलन जर्मिनेशन नहीं होता है. Ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. Actually, pollen grain में और pistil में continuous chemical components के बीच में interaction होता रहता है, continuous chemical reaction होता रहता है जिसकी वजह से pollen, right type का pollen germinate कर पाता है stigma पर. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to recognition followed by acceptance or rejection. Ab kuch hi recent years pehle hi botanist ne ye recognize kiya hai ki jo pollen aur pistil components hai unke beech mein interaction hota hai jiski wajah se पॉलन रिकग्नाइज होते हैं पिस्टल के द्वारा या स्टिग्मा के द्वारा और उसके बाद या तो वो एक्सेप्ट हो जाते हैं या फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं. कंपैटिबल पॉलिनेशन अगर होता है तो फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर और पॉलन ट्यूब अराइज होती है. कहाँ से अराइज होगी, वो जर्म पोर के थ्रू. द कंटेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इन टू द पॉलन ट्यूब. पॉलन ग्रेन के जो कंटेंट्स हैं वो पॉलन ट्यूब के थ्रू मूव करेंगे और मूव कर कर कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे ओव्यूल के पास जो कि ओवरी में प्रेजेंट है. किसके थ्रू जाएंगे, वो स्टाइल के थ्रू. पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी. अब इस चीज़ को आप डायग्राम की हेल्प से देखिए. ये यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है. ये पॉलन ग्रेन्स का जब जर्मिनेशन हो जाएगा, अगर ये राइट टाइप के हैं तो उसमें से पॉलन ट्यूब अराइज होगी. ये देखिए यहाँ से पॉलन ट्यूब अराइज हो रही है. पॉलन ट्यूब अराइज होके कहाँ जा रही है, ये यहाँ पर जो फीमेल पार्ट जो है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है उसके पास जाएगी. उसके पास जाएगी तभी एग सेल के साथ मेल गैमेट्स का फ्यूजन हो पाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब दिखाई गई है. दिस इज़ द पॉलन ट्यूब, दिस इज़ द एंटीपोडल सेल. आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद होगा, तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, एक एग सेल और दो सिनर्जिट्स प्रेजेंट होती हैं. इस वाले डायग्राम में देखिए ये सेंट्रल सेल है बीच में, ये एग सेल है और ये सिनर्जिट्स है. तो जो मेल गैमीट है वो एक मेल गैमीट तो जाती है वो एग सेल के साथ फ्यूज करने के लिए और दूसरी जो मेल गैमीट है वो जाती है सेंट्रल सेल के पास पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने के लिए. ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दो मेल गैमीट शो की हुई हैं, एक ये और एक जो किसके पास गई है, एग सेल के पास गई है. और ये आपको जो दोनों डायग्राम्स दिखाए गए हैं, इन दोनों डायग्राम्स में आपको पिस्टल के अंदर जो पॉलन ट्यूब अराइज हो रही है वो आपको शो किया हुआ है. इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन. अ वेजिटेटिव सेल एंड अ जनरेटिव सेल. अब देखिए कुछ पॉलन ग्रेन्स टू सेल कंडीशन में रिलीज होते हैं,
टू सेल कंडीशन याद कीजिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब पॉलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होती है तो उसको हम कहते हैं टू सेल स्टेज। और कुछ पॉलन ग्रेन्स थ्री सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। थ्री सेल स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गेमीट्स। इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गेमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। ऐसे प्लांट्स जिनमें पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में रिलीज होता है उसमें दो मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन कब होता है? पॉलन ट्यूब के अंदर, जब पॉलन ट्यूब ग्रो करती है तब उसमें दो मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन थ्री सेल स्टेज पॉलन ट्यूब्स कैरी द टू मेल गेमीट्स फ्रॉम द बिगनिंग। और ऐसे प्लांट जिसमें थ्री सेल स्टेज में पॉलन रिलीज होता है उसमें पहले से ही दो मेल गेमीट्स प्रेजेंट होती हैं पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। पॉलन ट्यूब जब ओवरी के पास पहुंचती है तो वो ओव्यूल के पास जाएगी। ओव्यूल के पास किसके थ्रू जाएगी? माइक्रोपाइल के थ्रू, और एंटर करेगी सिनर्जिड्स में थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहाँ देखिए आप डायग्राम में, पॉलन ट्यूब यहाँ सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगी फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू, तब वो सिनर्जिड्स के पास जाएगी और एग सेल के साथ मेल गैमीट का फ्यूजन हो पाएगा। मैनी रीसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पैड ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि पॉलन ट्यूब में जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है उसका फंक्शन होता है सिनर्जिड्स के पास पॉलन ट्यूब को गाइड करना, मतलब पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स तक गाइड करना कि उसको इस डायरेक्शन में मूव करना है। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन टू द स्टिग्मा अपॉन पॉलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्ड टू एज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब देखिए पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है? पॉलन डिपोजिशन होता है जो स्टिग्मा पे, सपोज ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ने लैंड किया, ये फिर उसके बाद उसका जर्मिनेशन हुआ पॉलन का, उसके बाद पॉलन ट्यूब अराइज हुई, पॉलन ट्यूब अराइज होके ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई। तो ये जो तीनों इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, तीनों इवेंट्स, नंबर वन दिस, नंबर टू व्हेन द पॉलन ट्यूब अराइजेज, एंड नंबर थ्री व्हेन इट रीचेस एंटर्स द ओव्यूल। तो ये तीनों इवेंट्स को टुगेदर इट इज टर्म्ड एज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इज। सो इट इज बेसिकली पॉलन डिपोजिशन नंबर वन, नंबर टू ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, एंड नंबर थ्री इट्स एंट्री इन टू द ओव्यूल। तो ऑल दीज थ्री इवेंट्स दे आर रिफर्ड टू एज द पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में पॉलन का रिकग्निशन होता है पहले, अगर वो राइट टाइप का है तो वो आगे जाके पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा, और अगर राइट टाइप का नहीं है तो उसका रिजेक्शन या फिर इनहिबिशन हो जाएगा। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। अब ये जो नॉलेज है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में, ये प्लांट ब्रीडर्स को हेल्प करती है जिससे कि वो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को मैनिपुलेट कर सके इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन के केस में, और डिजायर्ड हाइब्रिड उसको मिल सके। यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन। देखिए पॉलन ग्रेन की स्लाइड आपने प्रैक्टिकल में भी बनाई होगी जिसमें आप पॉलन ग्रेन्स को डस्ट करते हैं एक स्लाइड पे, जनरली कैविटी स्लाइड लेते हैं, उसमें आप न्यूट्रिएंट डालते हैं, जनरली शुगर सॉल्यूशन, उसके ऊपर आप पॉलन ग्रेन्स को डस्ट करते हैं और फिर थोड़ी देर उसको 15 टू 20 मिनट्स लीव करके फिर आप ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, देन यू फाइंड आउट दैट द पॉलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप पी प्लांट पे, चिक पी पर, चिक पीज चना, चिक पी क्रोटालेरिया बैल्सम विनका, इन पर भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। After about 15 to 20 minutes, observe the slide under the low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains.
A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. अब देखिए जो plant breeders होते हैं वो different different species को cross करते हैं, cross करके या तो वो different genera के species को cross करते हैं जिससे कि दोनों के characteristics आ जाए एक ही प्लांट पे और इस तरह से सुपीरियर वैरायटी बन सके। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ पॉसिबल टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलिनेशन। देखिए जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए किए जाते हैं, मतलब दो अलग प्लांट्स, एक में एक प्लांट में एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरे प्लांट में दूसरी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, तो दो प्लांट्स को जब क्रॉस किया जाता है जिससे कि जो रिजल्टिंग प्लांट बने उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, तो इस तरह के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को यूज़ किया जाता है और स्टिग्मा को पे उनको लैंड कराया जाता है, और स्टिग्मा को कंटामिनेशन से बचाने के लिए, इस चीज़ से बचाने के लिए कि उस पे कोई और तरह का पॉलन ग्रेन ना आए, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब इन चीज़ों के लिए ईमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक अपनाई जाती है। अब देखिए ईमैस्कुलेशन बैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा ये। What is emasculation? Emasculation is basically removal of the male part. Flower के अंदर male part कौन सा होता है? Anther. Anther से pollen grain release होते हैं, तो anther को अगर cut किया जाता है उसे कहते हैं emasculation। और stigma के ऊपर paper bag या butter paper का bag जब लगाया जाता है उसको हम कहते हैं bagging। तो female parent, if the female parent bears bisexual flowers, अगर female पेरेंट के पास बाईसेक्सुअल फ्लावर है, सपोज़ ये एक प्लांट है उसके अंदर ये फ्लावर है, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो इस तरह का बाईसेक्सुअल अगर फ्लावर है, इसमें से अगर एंथर को हम रिमूव कर दें जब फ्लावर बर्ड स्टेज में है, तभी अगर हम एंथर को रिमूव कर दें इससे पहले कि एंथर मच्योर हो, किसकी हेल्प से, या तो फॉर्सेप की हेल्प से या फिर सीजर की हेल्प से जब हम उसे रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईमैस्कुलेशन। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ठीक है, ये देखिए आप डायग्राम में, यहाँ पे ये सीजर की हेल्प से एंथर को रिमूव करते हुए दिखाया गया है, इसका मतलब ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, ईमैस्कुलेशन। दिस प्रोसेस इज ईमैस्कुलेशन। आप देखिए ईमैस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है उसको कवर किया जाता है बैग से, सूटेबल साइज का बैग होता है जो जनरली बटर पेपर का बना हुआ होता है, जिससे कि स्टिग्मा के ऊपर कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ सके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। उसके बाद जब स्टिग्मा को, जब बैगिंग हो जाती है उसके ऊपर उसको लेबल भी किया जाता है, उसको लेबल के कह दो या फिर ऐसा कहते हैं कि उसको टैगिंग हो गई है उसकी, उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है जिस पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि उस फ्लावर पे कब पॉलिनेशन, आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन उस टैग पर लिखी हुई होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैगिंग। तो तीन प्रोसेस हो गए, ईमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। जब स्टिग्मा, बैग्ड फ्लावर के स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होते हैं, मतलब मैच्योर होते हैं और तैयार होते हैं पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, तब मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया जाता है मेल पेरेंट से, मेल प्लांट से, और उनको डस्ट कर दिया जाता है स्टिग्मा पर। फिर बैगिंग होती है, फ्लावर को एक बटर पेपर बैग से कवर कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनमें फिर फ्रूट डेवलप होता है। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देन देयर इज़ नो नीड ऑफ ईमैस्कुलेशन। अगर फीमेल फ्लावर, फीमेल पेरेंट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओनली फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फिर ईमैस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। फीमेल फ्लावर्स बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर्स ओपन, और फ्लावर को बैगिंग किया कर दी जाती है इससे पहले कि फ्लावर ओपन हो,
बड स्टेज में ही बैगिंग कर दी जाती है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, अब स्टिग्मा जब मेच्योर हो जाएगा तो रिसेप्टिव हो जाएगा, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग डिजायर्ड पॉलन एंड फ्लावर रिबैग, और फिर उसमें पॉलिनेशन कर दिया जाता है आर्टिफिशियली डिजायर्ड पॉलन से, और फ्लावर को फिर से रिबैग कर दिया जाता है। देखिए आज की वीडियो में इतना ही, अब इस चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द लेटेस्ट वीडियोज़।